नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर, जहां पर आप सभी के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। यदि आप भी ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको भी पाँचवीं और आठवीं का रिज़ल्ट मिलेगा, तो आपके लिए डेट से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है। क्या है 16 अप्रैल को एवं कौन सी बड़ी खबर रिज़ल्ट को लेकर है, तो आप सभी छात्र जो कि पाँचवीं और आठवीं की परीक्षाएं दे चुके हैं, आप सभी रिज़ल्ट से जुड़ी पूरी अपडेट यहाँ पर अवश्य देखें। तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आप सभी पाँचवीं आठवीं रिजल्ट का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करें। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा पाँचवीं और आठवीं की परीक्षाएं सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं, जो कि मार्च में आयोजित की गई थी। इस प्रकार से अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा आप सभी छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाने वाला है। यदि आप भी रिजल्ट डेट चाहते हैं या फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा हाल ही में नया नोटिस जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाँचवीं और आठवीं का रिजल्ट जारी करने हेतु आप सभी के लिए नया आदेश आया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इस प्रकार से अब उम्मीद है कि रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। यदि आप भी रिजल्ट को लेकर आ रही खबरों को जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि पहले पता चला था कि 15 अप्रैल 2024 को रिजल्ट आएगा, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आया क्योंकि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है। यदि आप भी ऑनलाइन रिजल्ट जांचना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि अब बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट प्रदान करेगी। आपको बता दें कि उम्मीद लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा रिजल्ट 20 अप्रैल 2024 तक रिलीज़ किया जाएगा। यह तारीख अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन संभावित तारीख 20 अप्रैल 2024 रहने वाली है। इस प्रकार से आप सभी छात्रों के लिए रिजल्ट लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट कक्षा अनुसार प्राप्त हो जाएगा। आप सभी छात्रों के लिए पाँचवीं और आठवीं का रिजल्ट mpbse.nic.in, इसके अलावा rskmp.in पर प्राप्त हो जाएगा, जहां पर एडमिट कार्ड के मुताबिक जानकारी जैसे समग्र आईडी या फिर रोल नंबर दर्ज करते हुए आप आसानी से अपना रिजल्ट कक्षा अनुसार चेक कर सकेंगे। तो आप सभी के लिए रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट दी गई, ऐसी ही खबरें लगातार ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि सबसे पहले आप तक खबर पहुँचेगी। धन्यवाद।